subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. तो आज हमारे फ्राइडे स्पेशल खास शो 102 नॉट आउट में हम आपको बताएंगे ऐसी कंपनियों के बारे में जो अभी भी भले ही वो पुरानी हो गई हो मार्केट की फेवरेट बनी हुई है। आपने वो फ्रेज तो सुना ही होगा, ओल्ड इज गोल्ड, ये इन पर बिल्कुल ठीक बैठता है। और ये आपके लिए कौन लेकर आ रहा है, आपके जाने माने भरोसेमंद चेहरे में के करके इंट्रोड्यूस करती हूँ बाजार के जाने माने एंकर्स और साथ ही आपके चहेते रिसर्च एनालिस्ट इसका हिस्सा है, जिन्होंने पूरी मेहनत करके आपके लिए कुछ ऐसे नायाब जेम्स उठाए हैं जो आपके पोर्टफोलियो को आगे भी चमकाने वाले हैं। मेरे साथ है सीनियर एडिटर नीरज बाजपाई, साथ ही प्रदीप पंड्या, हेमंत घई, हर्षदा सावंत, आशीष वर्मा भी हमारे साथ है और साथ ही आपके फेवरेट वरुण दुबे और सोनम मेहता भी जुड़ चुके हैं। चलिए फटाफट अब इनके पास जाते हैं और पता करते हैं कि वो कौन से नायाब हीरे इनके पास हैं और आगे उनमें किस प्रकार का फ्यूचर है। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ पर आगे बढ़ें और समझें कि कौन कौन से यहाँ पर स्टॉक्स वो लेकर आए हैं, मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि इनमें से जितनी भी कंपनियाँ आपके सामने या जितने स्टॉक्स वो आपके सामने रखने वाले हैं, इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो मेरे बचपन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि उस समय ब्रांड्स इस प्रकार के होते थे कि वो बतौर प्रोडक्ट की ही जगह ले लेते थे। चलिए मैं यहाँ पर आपका सरप्राइज बिल्कुल स्पॉइल नहीं करूंगी, लेकिन हर्षदा के पास सबसे पहले चलते हैं। हर्षदा, बताइए कि वो कौन सा ब्रांड है, वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आप हमारे सामने लेकर आई हैं, क्या है हिस्ट्री और स्कोप आगे कैसा दिखे? देखिए, एक ऐसी कंपनी जो हम सब जानते हैं, ये एक ऐसा ब्रांड नहीं है जिसे आपने कहा ना कि बचपन से अब कोई प्रोडक्ट होता था वो कोलगेट, मुझे याद है लोग यही कहते थे कोलगेट ले आइए दाढ़ी बनानी है या फिर दांत साफ करने, ये वो कंपनी नहीं है। लेकिन FMCG कंपनी जरूर है, ITC है और ये वाकई में बहुत बढ़िया और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी रहा है पिछले 109 सालों से। मैं आपको बता दूं, इसका नाम पहले इंपीरियल टबैको कंपनी होता था और इसकी शुरुआत हुई थी 1910 में, यानी कि ये अंग्रेजों के जमाने की कंपनी है। इवेंचुअली इसका नाम फिर बाद जाकर बदला और इसका नाम हुआ इंडियन टबैको कंपनी 1974 में। लेकिन इनका जो पूरा कारोबार पहले जो शुरू हुआ था वो टबैको में था, यानी कि सिगरेट के कारोबार में थे। और अभी भी अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो 80% मुनाफा सिगरेट के कारोबार से ही आता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने धीरे धीरे करके अपने कारोबार में अलग अलग मोड लिए हैं और अलग अलग बिजनेसेस में भी उतरे हैं। तो इस समय एग्री में इनका काफ़ी दमखम है, FMCG कंपनियों में एक बहुत बड़ा नाम है, पेपर के बिजनेस में है और होटल के बिजनेस में भी है। तो एक बहुत बढ़िया प्ले है जो अलग अलग कारोबार का एक मेल बना है ITC। और ख़ास बात यही है कि कंपनी ने इस बारी फोकस यही रखा है, अब अगले 100 साल क्या रहेंगे, सिगरेट बिजनेस से तो कारोबार आएगा ही, लेकिन अगले 100 सालों में इनका जो FMCG ब्रांड का पोर्टफोलियो है वो और भी मजबूत होने वाला है। इसी पर कंपनी सबसे ज्यादा निवेश करेगी, इसीलिए ये कंपनी है जो अगले 100 सालों में भी नॉट आउट रहेगी, इसकी बारी लगातार जारी रहने वाली है। कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है कि 2030 तक तकरीबन 1,00,000 करोड़ का बिजनेस ये FMCG कारोबार से अकेले हासिल कर लेंगे और वहीं पर सबसे ज्यादा फोकस है। तो जो भी नया निवेश आएगा वो FMCG कारोबार में ही आता दिखाई देगा। अब ये शेयर क्यों पसंद है और क्यों सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर आप इसका स्टॉक प्राइस इस समय देखें, ये अपने 52 हफ्तों के हाई से तकरीबन 20% सस्ता मिल रहा है, तो काफी अट्रैक्टिव है। और इसका जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर है, जो इसके मुकाबले में खड़ा होता है, जिसकी हम तुलना करते हैं, वो है HUL, और HUL से भी काफी सस्ता है, करीब 50% इसके वैल्यूएशन सस्ते है। तो एकदम बढ़िया खिलाड़ी जो अगले 100 सालों में भी अपना जलवा दिखाएगा। सिगरेट का कारोबार है जहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन साथ ही FMCG बिजनेस इनका कमाल करेगा। यानी कि वैसे तो कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन अगर इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इसकी हेल्थ जरूर सुधरती दिखेगी। चलिए वरुण के पास चलते हैं और वरुण के पास एक बड़ा ही जाना माना नाम है। ये एक ऐसा नाम है जो शायद बच्चा बच्चा जानता होगा और किसी ना किसी तरह से इससे रूबरू जरूर हुआ है। वरुण, चलिए आप ही श्री गणेश करिए और बताइए कि कौन सी कंपनी आप लेकर आए हैं और क्या स्कोप दिख रहा है? देखिए नया, सही कहा आपने कि ये नाम दरअसल बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हम भी जब बचपन में थे तब सुनते थे कि टाटास, बिरलास काफ़ी बड़े कारोबारी, और टाटा ग्रुप की दरअसल ये कंपनी है। टाटा ग्रुप की 111 साल पुरानी कंपनी टाटा स्टील है जो हमारे रडार पे है। 1907 में इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और दरअसल ये एशिया की सबसे पहली प्राइवेट स्टील कंपनी थी, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो सबसे पहला प्रोडक्शन है वो करीब 1912 को शुरू हुआ था, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के 5 साल बाद इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया था, और तब से लगातार ये कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रही है, अपना जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ाते जा रही है। और इंडिया के तो कोने कोने में इस कंपनी का प्रेजेंस है, सिर्फ इंडिया ही नहीं अगर आप देखें तो करीब 26 कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है और 5 कॉन्टिनेंट्स में इस कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। इस कंपनी के एम्प्लॉयज वहाँ फैले हुए हैं। जेआरडी टाटा, इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी और चेयरमैनशिप इन्होंने ली थी 1938 में। तो ये तो है कंपनी का बैकग्राउंड, लेकिन इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि इस कंपनी में किस तरह का रिवाइवल देखने मिला है। इनफैक्ट ये कंपनी अपने स्पेस में सबसे लो कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, यानी कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के मार्जिन से कंपनी कमांड करती है। सिर्फ यही नहीं, ये कंपनी अगले 5 साल में अपना जो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है फिलहाल 13 मिलियन टन के आसपास, उसको डबल करने के यहाँ प्लान बना रही है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही ये काम करेगी। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक की बात करें तो कलिंग नगर में ये अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में इनऑर्गेनिक की बात करें तो भूषण, आपको याद होगा भूषण स्टील के लिए इन्होंने किस तरह से एग्रेसिव बिड किया है। और देखिए भूषण स्टील तो वैसे लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसके एसेट्स काफ़ी अच्छे हैं, उसका कारोबार जो है वो काफ़ी बेहतर है, वो इस कंपनी को काफ़ी फायदा पहुँचा सकता है। खासकर ऑटो और जो वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स है उसमें ये कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, तो वो एक फायदा होगा। साथ ही में यूरोप में इन्होंने जो एक्विजिशन किया था उसके कारण काफ़ी लॉसेस हो रहे थे, वो जो लॉस मेकिंग एक्विजिशन था वो इन्होंने हाइव ऑफ कर दिया, तो वहाँ से भी भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। जी वरुण, अगर आप देखें तो 747 का हाई इस कंपनी ने मारा था, उसके बाद काफ़ी कम हो चुका है इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस। लेकिन मुझे याद है CLSA ने पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के रिजल्ट्स के बाद जो रिपोर्ट निकाली थी उन्होंने 920 रुपये का प्राइस टारगेट दिया था, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउस भी इस काउंटर को लेके कितने बुलिश है। ऑलराइट, चलिए वरुण तो बहुत ही धमाकेदार स्टॉक लेकर आए हैं, मैं अगर यहाँ रोकती नहीं तो शायद ये पूरा समय ले लेते क्योंकि ये डिजर्व भी करता है, इस तरह का स्टॉक है। लेकिन प्रियंका के पास चलेंगे और ये एक ऐसा स्टॉक है, अभी तो हमारी भागदौड़ की लाइफ है लेकिन जब इत्मीनान से समय रहता था, जब पूरे घर के लोग बैठकर सुबह की चाय पीते थे तो चाय का साथी बिस्किट हुआ करता था और उसमें एक ही ब्रांड एक ही नाम था जो हम सबके जहन में हुआ करता था। प्रियंका, ओवर टू यू, बताइए कौन सा स्टॉक लेकर आई हैं आप? यहाँ आपने काफी हिंट्स दे दिए हैं, बिल्कुल सही, ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया के बिना हम सभी की शामें और सुबह अधूरी रहती थी। अभी भी आपके और हमारे फ्रिज के शेल्फ में, घर के किसी ना किसी रैक में ब्रिटानिया का प्रोडक्ट नजर आ जाएगा, तो इसकी पहुंच इसी से समझ में आती है। ब्रेड, बिस्किट, दूध, दही, चीज, तमाम तरह के इस तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स में ब्रिटानिया है और इसकी शुरुआत हुई थी 126 साल पहले, अभी भी जलवा बखूबी बरकरार है। और जब शुरुआत हुई थी कोलकाता में एक छोटे से घर में गृह उद्योग की तरह बिस्किट बनाए जाते थे। 1892 में 295 रुपए में इस ब्रिटानिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे कई लोगों ने हाथ बदले, यहाँ पर गुप्ता ब्रदर्स ने इसको लिया एक पॉइंट पर जाकर के, यहाँ बहुत सारे लोगों ने हाथ बदले और अब वाडिया ग्रुप की ये कंपनी है। लेकिन इसके दमखम की बात ये है कि अगर मैं आपको केवल 5 साल में बताऊं तो इसने किस तरह का रिटर्न दिया है। 1 मई 2013 को इसका स्टॉक जो था 575 रुपए का था और अभी मई 2018 में 5364 रुपए का स्टॉक है। 833% का सीधा सीधा सा यहाँ रिटर्न आपको नजर आएगा। और इसने भारत में इसकी कुल 13 फैक्ट्री हैं, तो साथ ही में विदेशों में भी कई फैक्ट्रीज हैं। मिडिल ईस्ट में ये नंबर 2 बिस्किट कंपनी है, नेपाल में इसने पैर जमाए हैं, एशिया अफ्रीकन कंट्रीज में भी नजर आएंगी। और इनका मोटो यही है कि हर साल एक नया मार्केट, तो इसके साथ एक्सपेंशन हम गजब का देख रहे हैं और इसीलिए ये 126 साल तो दमदार बीते, आगे के 100 साल भी दमदार बीतेंगे। GST का फायदा इसे मिला है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा फायदा मिला है, तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है नेहा। और एक बहुत जरूरी बात जो आप बताती है कि बारिश अच्छी होगी, तो बारिश जब अच्छी होगी तो रूरल इकोनॉमी से ग्रोथ आएगी और ये स्पेशली रूरल मार्केट के लिए 5 से 10 रुपए के प्योर मैजिक बिस्किट लेकर आ रहे हैं। तो ये है ब्रिटानिया जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, इसका जिंगल भी मुझे याद है, ब्रिटानिया ब्रिटानिया मारी गोल्ड करके आता था, तो डेफिनेटली ये अपने नाम पर खरी उतरती दिख रही है। और जैसे कि प्रियंका ने कहा कि अब स्कोप इसके लिए स्काई इज द लिमिट और अगले 100 साल में भी शायद ये और धमाकेदार प्रदर्शन दिखाएगी। लेकिन चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए आपके पिटारे में क्या है आज? ये जो प्रियंका का मारी गोल्ड बिस्किट की आप लोग बात करें, उसका दिक्कत ये वो चाय के प्याले में डुबोने में दिक्कत होती है, उसका साइज छोटा करने की जरूरत है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग कंपनी मेरे पास है, वो है द फीनिक्स मिल्स। 1905 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो जो 102 नॉट आउट 102 साल से ज्यादा पुरानी ये कंपनी है और बेहद इंटरेस्टिंग पास्ट है। ये समय के साथ बदलने का ना
एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस कंपनी ने मुंबई का जो लोअर परेल इलाका है उसमें उस जमाने में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी थी। तब टेक्सटाइल्स का इस इलाके में बूम था, पर उसके बाद हमने देखा था स्ट्राइक्स होती हुई नजर आई। फाइनली जो मिल कल्चर था बॉम्बे से वो ऑलमोस्ट वाइप आउट होता हुआ नजर आया। तो ओवर द ईयर इस कंपनी ने अपने आप को बड़ा स्मार्टली री इन्वेंट करा, रिटेल मॉल डेवलपमेंट के स्पेस में एक कंपनी उतरी और इसका जो फ्लैगशिप है हाई स्ट्रीट फिनिक्स मॉल, मेरे ख्याल से सबने नाम सुना होगा, मुंबई में रहने वाले, मुंबई के बाहर रहने वाले, 1999 में उस मॉल की शुरुआत हुई थी और आज मुंबई में वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड डेस्टिनेशन है। इतने फुटफॉल्स वहां पे आते हैं, पिछले कई सालों से 12% की सालाना दर से वहां की रेंटल्स बढ़ रही हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि ना सिर्फ मुंबई में बल्कि देश की तमाम बड़ी बड़ी सिटीज में सिमिलर बिजनेस मॉडल्स इतने रेप्लिकेट करें और सक्सेसफुली रेप्लिकेट करके दिखाएं, तो कई लार्ज शहरों में लीडरशिप पोजिशन पर कंपनी इस समय बैठी हुई है। तो एक पायनियर है इस देश में मिल या मॉल्स को डेवलप करने की, ऑपरेट करने की, और इनफैक्ट कहा जाता है शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब इस देश में जो बनाए जाते हैं उसके लिए एक मॉडल के तौर पे लोग ट्रीट करते हैं इस कंपनी को। बेहद स्ट्रांग पोर्टफोलियो है, 8 इस कंपनी के पास मॉल्स हैं इस समय देश के टॉप शहरों में और 4 नए मॉल्स बनाने की ये कंपनी तैयारी कर रही है। तो जो बड़ी ह्यूज रिटेल स्टोरी की हम हमेशा बात करते हैं उसका एक यूनिक वे है जिसे आप प्ले कर सकते हैं इस कंपनी के जरिए। तो एक स्पेशलिस्ट है जो भारत की कंजम्पशन या ग्रोथ स्टोरी पर दाव लगाने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इसीलिए 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी और अभी भी लगता है चमकती हुई नई आगे की ग्रोथ के लिहाज से। बिल्कुल, इसका फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। जैसे कि सारे डिटेल्स आशीष ने सामने रखे उससे लगता है कि इसके ग्रोथ में कहीं भी रुकावट की संभावना नहीं है। अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसको जरूर बनाए। जो अगला स्टॉक है वो हेमंत से हमें जानने को मिलेगा, लेकिन ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसने सालों से घर को सजाने सवारने का काम किया है और इसके एड्स भी बहुत बेहतरीन हुआ करते थे, काफी प्रीमियम इसको माना गया है और आज भी जब कभी भी खरीदारी होती है, घरों के डेकोरेशन की बात यहाँ पर आती है, तब ये काफी फेमस कंपनी है। हेमंत बताइए क्या स्कोप है, कौन सी कंपनी है और आगे का फ्यूचर कैसा दिखाई देगा? कुछ दिनों पहले हमने एक शो किया था फ्यूचर स्टॉक ऑफ इंडिया और उसमें भी हमने इस स्टॉक के बारे में बताया था और वो था 15 फरवरी को और तब से लेकर आज तक भी इस शेयर ने आपको पैसा बनाकर दिया है। तब हमने 2 स्टॉक्स बताए थे, अशोक लेलैंड और दूसरा पहला स्टॉक था बॉम्बे डाइंग, और देखिए दोनों ने ही आउट परफॉर्म किया है। 52 वीक हाइज के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो ना सिर्फ आपके घर को सजाती है आपके पोर्टफोलियो को भी सजाने सवारने का काम दरअसल बॉम्बे डाइंग करता आ रहा है, कंसिस्टेंटली करता आ रहा है। नुस्ली वाडिया ग्रुप की कंपनी है और प्रियंका ने भी इसी ग्रुप की कंपनी ब्रिटानिया को अभी अभी आपके सामने लाया और देखिए ये ग्रुप जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। 3 बड़े कारोबार में है, टेक्सटाइल, पॉलिएस्टर और रियल एस्टेट कारोबार, और रियल एस्टेट कारोबार में इसकी मुंबई में बहुत पैठ है। जी हाँ, 700 एकड़ लैंड बैंक किसी भी कंपनी के पास, इकलौती कंपनी के पास नहीं है, इसके पास दरअसल वो है। 10,000 एकड़ लैंड बैंक के आसपास का के आसपास इसके पास देश भर में लैंड बैंक है, महाराष्ट्र में अगर बाकी कोनों में भी देखें तो। देखिए लैंड बैंक की तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और अब ये कंपनी जो है वो घर बनाने के कामकाज में, कुछ लोग ये कहते हैं ये भी शायद गोदरेज का मॉडल फॉलो कर सकती है, और देखिए L&T जैसे लोगों को ये काम बिल्डिंग बनाने का मौका देते हैं और वहां से फिर ये बढ़िया तरीके से अपने फ्लैट्स को सेल करते हैं। तो ये एक स्टोरी है जो अभी और बड़ी हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं इस कंपनी में। गो एयर का IPO आ सकता है, आप देखिए एविएशन कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, 5% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी के पास है नेशनल पोरोक्साइड की, जो कि करीब 80-82 करोड़ रुपए के आसपास की आंकी जाती है। 10% हिस्सेदारी BBTC में ये कंपनी ओन करती है जो करीब करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास की आंकी जाती है। हालांकि ये स्टॉक बहुत अच्छा रनअप दिखा रहा है और CNBC आवाज पर हम इसे 50 रुपए के आसपास से रिकमेंड करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये अंडर वैल्यूड लगता है और लगता है इसी तरह से 52 वीक्स हाई छूने का जो सिलसिला इसने लगाया है वो जारी रहेगा। पिछले साल 85 रुपए पर भी हमने इसे सजेस्ट किया था और अब 300 के आसपास भी हम इसे सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए पोर्टफोलियो को भी सुंदर कर रहा है, आपके घर को तो कर ही रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने जाना कि भले ही कितने पुराने हो जाएं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जोश की कोई कमी है या यहाँ पर जिंदा दिली की कोई कमी है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये तमाम कंपनीज हैं, तमाम स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी भी वही जोश, वही दमखम और वही फ्यूचर ब्राइट इनका दिखाई दे रहा है। अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कुछ और ऐसे ही नायाब स्टॉक्स आपके लिए चुनकर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
सीक्रेट टू नॉट आउट एंड ओल्ड इज गोल्ड, ये आज का हमारा स्पेशल शो है और कुछ ऐसे ब्रांड्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो हैं तो 100 साल से पुराने लेकिन थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, आगे भी भागते रहेंगे। इनफैक्ट अब हम सोनम के पास चलेंगे और सोनम के पास जो स्टॉक है वो एक्चुअली मेरे कॉलेज से जुड़ा हुआ है क्योंकि मेरी फर्स्ट जो व्हीकल थी वो इसी ब्रांड की थी। तो सोनम चलिए बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है। बल्कि नेहा, मेरे दादाजी मुझे अक्सर कहा करते थे कि हमारे ज़माने में ये स्टाइलिश बाइक्स या फिर स्पोर्ट्स बाइक्स नहीं हुआ करती थी, हमारे ज़माने में सिर्फ स्कूटर साइकिल्स या फिर मोपेड हुआ करती थी और देश में आज भी ये बेहद ही फेमस है और देश की सबसे पहली मोपेड बनाने वाली कंपनी मेरे रडार पे है, TVS मोटर्स। ये कंपनी की शुरुआत 100 साल पहले 1911 में हुई थी। TV सुंदरम जी ने इसका गठन किया था और TVS ग्रुप की यहाँ पर शुरुआत बस बनाने से नहीं या फिर टू व्हीलर्स बनाने से नहीं बल्कि बस की सर्विसेज प्रोवाइड करने से हुई थी, ना ही कि टू व्हीलर्स बनाने से। तो शुरुआत अच्छी हुई और उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो बनी, जो पूरे ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी बनी, वो है TVS मोटर। ये कंपनी ने 1980 में मोपेड का लॉन्च किया था, एक तरह से कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट किया था और उसके बाद इन्होंने एक टाइप कर लिया था जापान की कंपनी सुजुकी मोटर के साथ और इस टाइप के बाद कंपनी जबरदस्त लॉन्चेस किए और आज इंडिपेंडेंटली बेहतरीन बाइक्स मार्केट में उतारती आ रही है। मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, तीनों सेगमेंट्स में जबरदस्त पकड़ रखती है और इसका ग्रोथ भी या फिर इसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि रूरल सेगमेंट में कंपनी की पकड़ काफी ज्यादा है, रूरल मार्केट में पकड़ काफी ज्यादा है, तो यहां से मदद मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी फैल रही है और जितने बेहतरीन लॉन्चेस ये कंपनी कर रही है इससे अच्छा खासा मार्केट शेयर भी गेन कर पा रही है, तो फ्यूचर भी इस कंपनी का भी काफी ब्राइट दिख रहा है। तो TVS मोटर्स का फ्यूचर काफी ब्राइट है, रखिए इसको अपने स्टॉक में। लेकिन एक और कंपनी जो अब नीरज बाजपेयी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वो ब्रांड अपने में प्रोडक्ट की ही जगह लेता था। जब कभी हम खरीदारी करने के लिए जाते थे तो ये नहीं कहते थे कि कबर्ड्स खरीदेंगे या अलमारी खरीदेंगे, कहा जाता था कि भाई गोदरेज लेने के लिए जा रहे हैं। तो नीरज जी बताइए क्यों है ये आज आपके कह सकते हैं, आपने इसको क्यों चुना है आज? मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी है जिसने अपना कारोबार ताला बनाने शुरू किया, जिसकी आप बात करी पैडलॉक की है, अलमीरा का लॉक है या आपका कबर्ड का लॉक है, वहाँ से ये बिजनेस शुरू हुआ और आज कॉन्ग्लोमरेट है। किस कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें इनका काम ना हो, घर बनाने से लेकर के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से लेकर केमिकल्स लेकर के इवन जो आपके घर में सब्जी आती है ना वो भी नेचर्स बास्केट से आप मंगाते होंगे। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है गोदरेज ग्रुप, इसलिए हमने इसको चुना है कि आज भी ये उतना ही यंग है और उसके बिजनेसेस उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा बिजनेस गोदरेज ग्रुप का आपको नहीं मिलेगा जिसमें स्लो ग्रोथ दिखे या कोई दिक्कत दिखे, तो इसलिए हमने इसको चुना क्योंकि इसमें आप नजर रखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, वन ऑफ द होल्डिंग कंपनी, जो गोदरेज ग्रुप की तमाम कंपनी उसमें से एक ये है और इसके तहत जो बिजनेसेस आते हैं उसमें गोदरेज कंज्यूमर आता है जो कि बहुत बड़े ब्रांड्स हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के और देश विदेश में अफ्रीका में बहुत सारे बिजनेस उन्होंने खरीदे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, घर जो आप खरीदते हैं वो भी इसी की सब्सिडरी है, ये उसकी पेरेंट कंपनी है। गोदरेज एग्रोवेट, जो आप एग्रोकेमिकल्स खरीदते हैं, जो आप कैटल फीड खरीदते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है और इसकी भी एक और सब्सिडरी है एस्टेक लाइफ साइंस जिन्होंने एक्वायर करी है, वो भी इसी बिजनेस में है और वो भी लिस्टेड है। इसके अलावा गोदरेज केमिकल और नेचर्स बास्केट जिसकी मैंने बात करी वो है। तो ये बहुत बड़ा एक बिजनेस ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं और वो बिजनेसेस सारे फ्लोरिश कर रहे हैं, मतलब सब में बहुत अच्छी तरक्की दिख रही है, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो हमने इसको चुना इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बिजनेस अभी भी हैं जो लिस्टेड नहीं, जैसे गोदरेज केमिकल लिस्टेड नहीं है लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। गोदरेज के जो नेचर्स बास्केट बिजनेस है वो अभी नहीं है, टाइसन फूड के साथ इनके टाइप के साथ जो बहुत, जैसे अक्सर आपने टीवी CNBC आवाज़ पे सुना होगा कि वेंकीज़ की हम बात करते हैं, वेंकीज़ का सीधा कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो वो गोदरेज एग्रोवेट है क्योंकि उसकी दुकान में भी वही चिकन और वही सारे आपको फूड्स मिलते हैं। तो इसको इसलिए चुना। अब आप एक सवाल आपके मन में उठेगा कि इतना महंगा स्टॉक है, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे 45 के पी पे है, लेकिन इसके बावजूद इसलिए क्योंकि ग्रोथ और वैल्यू अनलॉकिंग की जो इसमें स्टोरी है, जो कहानी है, वो आगे अनफोल्ड होगी, इसलिए गोदरेज इंडस्ट्रीज बहुत ही बेहतरीन शेयर है और अभी भी पूरी तरीके से यंग है। ऑलराइट, चलिए, तो ओल्ड इज गोल्ड और अभी भी ये स्टॉक है काफी यंग।
तो इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाइए। प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप बताइए, आपके पास ऐसा कौन सा स्टॉक है और क्यों आपको लगता है कि इसको हमारे पोर्टफोलियो में, दर्शकों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए? देखिए, वीकेंड है और सबसे आखिर में मेरा नंबर लगा है, तो इस लिंक के बाद फिर सैर सपाटे के ऊपर फोकस होगा। बिल्कुल, गोदरेज का ताला लगा के घूमने निकलते हैं। तो थॉमस कुक है वो स्टॉक, और मुझे भी जान के सरप्राइज हुआ कि ये 1881 में हमारे देश में इसने कारोबार शुरू किया था। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है, आज हम 102 नॉट आउट की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 100 साल बाद भी जारी रहेगी। हो सकता है कि 100 साल बाद हम स्टील इस्तेमाल ना कर रहे हो, कोई नया मटेरियल निकल आए, लेकिन जितना बिल्कुल हो सकता है कि फिर मंगल की यात्रा करें, ट्रांस गैलेक्टिक टाइप बिजनेस करें, लेकिन होगा जरूर। तो अब देखिए, यहाँ पे वजह जो है यहाँ पर इस मजबूती की, क्योंकि इनके दो कारोबार हैं इस वक्त। एक तो इन्होंने जो एक्विजिशन करके स्टाफिंग का बिजनेस लिया है क्वेस्ट कॉर्प के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स सर्विस आप कह सकते हैं, वो भी है, और जो पुराना इनका टूरिज्म का कारोबार है उसको भी एक्सपेंड करते हुए इन्होंने स्टर्लिंग के नाम से रिसोर्ट को इसमें ऐड किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। SOTC का बिजनेस है, फॉरेन एक्सचेंज का जो कारोबार है वो सब इसमें मिला हुआ है, इसलिए एक बड़ा स्ट्रांग बिजनेस बना है और ज़बरदस्त ग्रोथ इसने दिखाई है। अब ये इसको तोड़ने वाले हैं, और जब ये उसको अलग करेंगे, दो अलग अलग कारोबार बनेगा, तो स्टाफिंग अलग हो जाएगा और जो भी टूरिज्म रिलेटेड कारोबार हैं वो एक जगह रहेगा, जिसमें लेजर ट्रैवल यानी सैर सपाटे वाला बिजनेस होगा, बिजनेस ट्रैवल जो कई कंपनियों के लिए ये बिजनेस दे रहे हैं वो भी होगा, और वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। SOTC का बिजनेस भी इसमें होगा और स्टर्लिंग हॉलीडे वाला बिजनेस भी इसमें होगा, और बाकी के स्टाफिंग कारोबार को अलग करेंगे तो आपके पास दो शेयर हो जाएंगे। अगर आज की तारीख में थॉमस कुक का शेयर है या आप लेते हैं तो आगे आपको क्वेस्ट कॉर्प के शेयर अलग से मिलेंगे। और आप देखिए, वो बिजनेस भी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आपने टीम लीज की तेजी अगर देखी हो पिछले दिनों में, तो आप समझ सकते हैं ये भी एक उभरता हुआ बिजनेस है, और दिनों दिन ये टेम्प स्टाफिंग का कारोबार और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको जल्दी है, मुझे पता है नेहा, लेकिन अगर एक खास बात, एक आंकड़ा आपको बता दूं, बिल्कुल, और इसका मजा देखिए आप, कि हमारे GDP में 10% हिस्सा अब हो चुका है टूरिज्म का। किसी को भी अंदाजा नहीं होगा, आपको लगता होगा कि 10% टूरिज्म से आ रहा है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। करीब 1 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में इस समय आ रहे हैं सालाना, और अंदाजा है कि अगले 5 से 7 साल में 1.5 करोड़ हो जाएंगे। तो ये आंकड़े काफी हैं समझने के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो आपके साथ आपको बहुत सारे यहाँ पर रीजंस हम दे चुके हैं, हमारी जो पूरी यहाँ पर मार्केट टीम है, रिसर्च टीम है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके वो सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं जिससे हम आपको कन्विंस कर सके कि ये जो तमाम स्टॉक्स हैं, 8 स्टॉक्स जो हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं, वो क्यों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको होगा बेहतरीन मुनाफा। चलिए, हमारी खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड भी बेहतर होगा और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ कमाने का मौका भी मिलेगा। हम सबको दीजिए इजाजत, शुक्रिया।